बात देश की हो या विदेश की, समाज की हो या फिर विकास की, अपराध की हो या अपराधी की, चाहे हो राजनीतिक पहलुओं को छूता हुआ कोई ज्वलंत मुद्दा या फिर ग्लैमर की चकाचौंध में डूबी हुई हमारी फिल्मों की, हम दिखाएंगे हर एक खबर सीआईबी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप मुझे देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज पर। पेश है आज की प्रमुख खबरें। आजमगढ़ जिले के मॉर्टिनगंज ब्लॉक के नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख ठाकुर मनोज सिंह व एक क्षेत्र पंचायत सदस्य का सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह था। निर्धारित समय से पूर्व ही एसडीएम ब्लॉक परिसर से उठकर चले गए, जिसके चलते ब्लॉक प्रमुख समेत क्षेत्र पंचायत सदस्य तीसरी बार भी शपथ नहीं ले सके। शपथ न होने से नाराज ब्लॉक प्रमुख के समर्थक ब्लॉक के सामने चक्का जाम कर दिए और ब्लॉक परिसर में धरने पर बैठकर अपना विरोध दर्ज कराया। क्षेत्र के आमगांव निवासी ठाकुर मनोज सिंह मॉर्टिनगंज ब्लॉक प्रमुख पद पर कुछ माह पूर्व ही निर्वाचित हुए थे। मनोज सिंह के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, इसी में से एक वाराणसी जिले के एक थाने पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट था। गैर जमानती वारंट के चलते इसके पूर्व भी निर्धारित किए गए दो बार के शपथ ग्रहण समारोह में पुलिस की गिरफ्तारी के भय से मनोज सिंह शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे, जिससे उनका शपथ नहीं हो सका था। तीसरी बार उन्होंने अग्रिम जमानत लेने के लिए जिलाधिकारी से मिलकर शपथ कराने का आग्रह किया था, जिस पर डीएम ने शपथ के लिए 16 अक्टूबर की तिथि निर्धारित करते हुए मार्टिनगंज तहसील के एसडीएम आशा राम यादव को शपथ दिलाने के लिए नामित किया था। सोमवार को शपथ होने के चलते सुबह से ही मार्टिनगंज ब्लॉक पर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। शपथ के बाद क्षेत्र पंचायत की होने वाली बैठक में भी शामिल होने के लिए क्षेत्र के लगभग 96 VTC व 72 ग्राम प्रधान के साथ ही काफी संख्या में लोग सुबह से ही ब्लॉक सभागार में उपस्थित हो गए थे। सभी लोग एसडीएम के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोपहर लगभग 12:30 बजे एसडीएम आशाराम यादव ब्लॉक पर तो आए, लेकिन बगैर शपथ दिलाए ही वापस जाने लगे। लोगों ने जब एसडीएम से वापस जाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि शपथ कराने के संबंध में जिला प्रशासन की ओर से कोई सूचना नहीं मिली है। वे जिला मुख्यालय पर डीएम की आयोजित मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। बगैर शपथ कराए ही एसडीएम के जाने से नाराज प्रमुख के समर्थकों के साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान आक्रोशित हो गए। आक्रोशित लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ब्लॉक मुख्यालय के सामने ही चक्का जाम कर दिया। थाना अध्यक्ष दीदारगंज दीनानाथ पांडे के समझाने पर लोगों ने चक्का जाम तो समाप्त कर दिया, लेकिन ब्लॉक परिसर में ही धरने पर बैठ गए। निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख के साथ BDC व ग्राम प्रधान ने मिलकर शपथ कराने के लिए तहसीलदार से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। उधर ठाकुर मनोज सिंह ने भी जिला अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया है और क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। अगर आज मेरी शपथ नहीं हुई तो कल मैं अपना इस्तीफा दूंगा चुनाव आयोग को। हम लोग सब लोग सब मिलकर इस्तीफा देंगे डीएम के मनमानी ढंग के खिलाफ। डीएम का एक और चीज है, जिस दिन मैं शपथ लेने गया था मुझे दबाया गया था डीएम द्वारा, आज बोल रहा हूँ। डीएम साहब ने एक सुभाष सिंह ठाकुर माफिया के दबाव में आकर मुझे उससे समझौता करने के लिए कहा था। ये डीएम साहब द्वारा मुझे दबाया गया था, पर्सनल उनके ऑफिस में बुलाया गया था, सारे लोगों ने देखा था। मैं सारे BDCO के साथ मिलकर इस्तीफा दूंगा और DM के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूंगा। या देखिए, कल मेरे पर दो मुकदमा जरूर DM साहब द्वारा दर्ज होगा। 420 का ही मुकदमा दर्ज कराएंगे, उसके सिवा उनके पास कोई मुद्दा नहीं। वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पार्टी बिना मतलब का बना के तैयार करके फर्जी मुकदमा कराएंगे और मेरी हत्या करवा सकते हैं DM साहब। और मेरी हत्या होती है उसके जिम्मेदार DM साहब है। क्या होते हैं 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 उसके जिम्मेदार DM साहब है। अभी रोका नहीं गया है फिलहाल, जो मुझे खबर मिली है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है इलेक्शन का, तो उसमें SDM साहब गए। हाँ, बुला लिया गया होगा, लेकिन फिलहाल स्थगन का मुझे कोई आदेश नहीं मिला। 1 बजे का
अब इसको तो मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक कुछ लिखा पढ़ी भी नहीं है।